to Raw to WrestleMania backlash. It's time to go back and rewrite WrestleMania. So it's time for the backlash. Road to WrestleMania backlash. I begin from Monday Night Raw, first round for the undisputed WWE Universal Heavyweight Championship of the World. Winner will face. तो ये राउंड में देखते हैं जी कौन अगले राउंड में जाता तो रेंजेस को बॉयज सो इस राउंड में हमारे शांतनु क्रिश हर्ष एंड अक्षत सो लेट्स सी कौन जाएगा अगले राउंड में ठीक है टोटल चार राउंड्स हैं रॉ से और चार राउंड है स्मैकडाउन से मंडे नाइट का मैनेजर जिन्होंने बनाया ये राउंड उनका नाम है हमारे दोबारा उन्होंने मिस्टर कटाना एंड स्मैकडाउन के जिन्होंने बनाया उनका नाम है हमारा मिस्टर रुद्रा सो लेट्स गो बॉयज इट इज गोइंग टू बी इनक्रेडिबल वी आर बैक टू अनदर पे पर व्यू एंड इट इज द वन एंड ओनली WrestleMania Backlash. Let's go, boys. मजा आने वाला है मैं बता रहा हूँ बहुत मजा आने वाला है तो ये राउंड में देखते हैं कौन जीता और मैं बता दूं दो बंदों ने टूर्नामेंट जो टूर्नामेंट होना है मार्वल हीरोज लीग जो होना है उसमें सिर्फ दो बंदों ने अभी तक पार्टिसिपेंट किया है सुपर चैट करके 20 रुपए की 20 रुपीज एंट्रेंस प्राइज है उसकी एंट्री प्राइज है और उसमें कर चुके हैं उशान एंड रुद्र कर चुके हैं अभी तक और किसी ने नहीं किया है ज़्यादा से ज़्यादा बंदे चाहिए जो जो बंदा अभी सुपर चैट कर दो आज की प्रीमियर में जो करेगा उसका नाम लिख लिया जाएगा विनर प्राइज 60 रुपीज 2x मनी हो जाएगी और रनर आपके 20 वापस ये है प्राइज मनी सो मार्वल हीरो लीग में कौन कौन पार्टिसिपेंट करना चाहता है फटाफट कर लो ठीक है 20 का सुपर चैट मार के लेट्स गो चलो ज्वाइन करो फटाफट मजा आने वाला है बहुत कर लो वो भी ज्वाइन कर लो टूर्नामेंट का जब तक ज्यादा बंदे नहीं होंगे तब तक वो स्टार्ट नहीं होगा एटलीस्ट ज्यादा से ज्यादा हम लोग सब हो जाए तो ज्यादा मजा आएगा तो सब लोग ट्राई करो उसमें ज्वाइन करने की ठीक है क्योंकि वो बहुत बड़ा टूर्नामेंट होगा हमारा बहुत जबरदस्त टूर्नामेंट होगा हमारा सो लेट्स गो बॉयज मजा आएगा तो फिलहाल तो हमारा रोड टू बैकलैश को वाट लगाते हैं आई एम कमिंग फॉर यू क्लिप्स And I'm gonna take that undisputed championship. Shantanu गया. चलो Shantanu has been eliminated. वाह, Shantanu गया. Referee फंस गई है side पे. Come on, referee जल्दी pin करो. ये है knockout plus elimination दोनों on है. Two. इतना slow क्यों? Two. ओए, अक्षत ही बच गई. इसमें और जोन favorite Krish and अक्षत है. हर्ष का पता नहीं, but let's see क्या होता है. ओए, यार Krish अच्छा खेल रहा है. क्रिश काफी अच्छा खेल रहा है लेट्स सी देखते हैं कौन जीतता है इस मैच में मुझे लगता है अक्षत जीत सकता है बट क्रिश की परफॉर्मेंस देखने के साथ क्रिश भी जीत सकता है यू नेवर नो कौन जीतेगा जीतेगा तो मार्वल ही जीतेगा एंड आई एम गोना टेक दैट अनडिस्प्यूटेड यूनिवर्सल चैंपियनशिप फ्रॉम क्लिप्स बडी आई एम कमिंग फॉर यू मैन आई एम जस्ट कमिंग फॉर यू आई एम कमिंग फॉर यू बॉय गेट रेडी गया अबे अरे यार मेरा चेला गया अक्षत ही यार क्या करते हो यार लगता मुझे हर्ष जीतेगा जिसका हम लोग नहीं बोलते हैं ना कि नहीं यार ये नहीं कर पाएगा ये नहीं तो वही जीत जाता है लगता है हर्ष और जोन फेवरेट हो सकता है बट फिनिशर दोनों के पास नहीं है कुछ नहीं बोल सकते लेट्स सी क्या होता है हियर वी गो सुप्लेक्स तो ठीक है फटाफट ज्वाइन कर लो फिर टूर्नामेंट को मार्वल हीरो लीग्स को तो लेट्स गो बॉय सीजन वन ज्वाइन करो फटाफट पहला टूर्नामेंट करना है उसका और जिसको पर्सनल टूर्नामेंट करना है वो पेटीएम करेगा ठीक है और ये वाला टूर्नामेंट करने के लिए 20 रुपीज सुपर चैट मारनी है तो कर लो ज्वाइन फटाफट उसका मैं नाम लिख लूंगा ठीक है लेट्स गो एक मिनट डिस्कॉर्ड पे भी देख लेता हूँ मैं उसमें भी डाल दिया हुआ है वो मैं अभी एमपी को बोलूँ अगर एमपी सुनो आप देख रहे हो ना तो एमपी एक काम करो उसमें एक चैनल बना दो सर्वर मार्वल हीरो लीग्स उसमें ज्वाइन कर दो ठीक है जो जो सुपर चैट करेगा उसका नाम लिखते जाना ठीक है एक काम कर दो बस Come on boys, let's go. हर जीतेगा या क्रिश भी जीत सकता है क्रिश का फाइनल्स में जाएगा जीत कर अनडिस्प्यूटेड यूनिवर्सल हैवीवेट चैंपियनशिप तो इस बार रेसलमेनिया नाइट टू का जो मेन इवेंट किया था दैट वाज द अनडिस्प्यूटेड यूनिवर्सल चैंपियनशिप सो रेसलमेनिया का बैकलैश का जो मेन इवेंट चैंपियनशिप करने वाली है इट इज गोइंग टू बी फ्रॉम स्मैकडाउन द वर्ल्ड हैवीवेट Championship will main event WrestleMania Backlash. So उसके अगला जो पेपर भी होगा उसको मेन इवेंट करेगी हमारी दी अनडिस्प्यूटेड यूनिवर्सल चैंपियनशिप ठीक है सो लेट्स गो इस बार वर्ल्ड हैवीवेट करेगी WrestleMania Backlash को मेन इवेंट तो दोनों ने किया था एक्चुअली बट क्या करें अब दोनों को तो फिर से नहीं डाल सकते तो यस क्योंकि लास्ट टाइम अनडिस्प्यूटेड को चांस मिला था सो इस बार वर्ल्ड हैवीवेट को मिलेगा चांस रोड ब्लॉक में अनडिस्प्यूटेड ने किया था मेन इवेंट एंड इसमें वर्ल्ड हैवीवेट करेगी रेसलमेनिया बैकलैश में हर जीतेगा यार हर्ष के पास फिनिशर आने वाला है बॉयज सो इट इज गोइंग टू बी हर्ष कंफर्म है क्रिश खत्म हो गया अरे यार तो ज्यादा ही पेल दिया फोर स्टार मैच होने वाला है फ्रॉम मंडे नाइट रॉ बॉयज लेट्स गो
भाई साहब पिक्स करो अपनी अपनी, कम ऑन लेट्स गो मारो। और क्रिश अगर सेमीफाइनल में जाना है तो फिनिशर मार के खत्म कर दो एनजी क्रिश को। कम ऑन एनजी क्रिश गया, दी एंड क्रॉस रोड्स खत्म। हियर इज योर विनर भाई साहब हर्षवर्धन। ओ माय गॉड भाई ये क्या हुआ, हर्षवर्धन गया सेमीफाइनल्स में। और हर्ष अगर आया नहीं ना ऑनलाइन तो फिर तो गया हर्ष। हर्ष को मैं एलिमिनेट कर दूंगा वरना, मतलब ड्राफ्ट से हटा दूंगा मैं। चलो हर्षवर्धन इज गोइंग टू रेसलमेनिया बैकलैश सून इनफ, अगर अगला राउंड भी जीतते हैं तो। कांग्रेचुलेशंस हर्ष, कांग्रेचुलेशंस। लेट्स मूव टू स्मैकडाउन। स्मैकडाउन का राउंड में आना, मजा आ गया, बहुत बढ़िया लड़के, बहुत बढ़िया। Welcome to the first opening round for the World Heavyweight Championship brought to WrestleMania Backlash. So, in this round, our former World Heavyweight Champion Oshan won WrestleMania mein hare championship, and former World Heavyweight Champion Rudra, and our one and only Black Thunder, ke baare mein kya bolu, jinka career abhi bana hi nahi hai aur ban raha hai. Let's go, Mr. Bijli Man. Chalo bhai saab, dekhte hain is round mein kaun jeet ke qualify hota hai next round ke liye, semi-finals ke liye. To hamare Monday Night Raw se qualify kar chuke Harsh. फर्स्ट राउंड में तो इस राउंड में देखते हैं कौन आता है। तो इस राउंड में हमारे स्मैकडाउन के मैनेजर खुद है ट्रिपल थ्रेड में, रुद्री बेबी बॉय रुद्री एंड उशानी एंड ब्लैक थंडरी। सो देखते हैं भाई साहब कौन जीतता है इस मैच में। सो गुड लक यू बोथ ऑफ थ्री ऑफ यू, सो गुड लक, लेट्स गो। बहुत नेक्स्ट लेवल मजा आने वाला है। ओ भाई पेल दिया गया ब्लैक थंडर। मुझे लग रहा है इस राउंड में फॉर्मर वर्ल्ड चैंपियन जीत सकता है बेबी बॉय रुद्रा, इसे राइजिंग स्टार बस अब खत्म हो गया राइज वाइज। तो मुझे लगता है इस राउंड में उशान जीत सकते हैं क्योंकि उशान का अच्छा कमबैक हो गया है रेसलमेनिया से पहले। ही वॉन दैट वर्ल्ड चैंपियनशिप, ही लॉस्ट इट, बट लगता है एक बार फिर से उशान लगता है जीत सकते हैं और फिर से मेन इवेंट करेंगे रेसलमेनिया में क्लैश को। सो गुड लक उशानी, जो भी है भाई अपने को क्या, अपन तो अनडिस्प्यूटेड चैंपियन जीतने वाले हैं। सोचो ब्लैक थंडर अगर जीत गया तो ये राउंड भाई साहब मजा आ जाएगा। जैसे मैंने फर्स्ट राउंड में बता दिया आप लोगों को टूर्नामेंट का मारो हीरो लीग का, तो स्मैकडाउन से भी बता देता हूँ मैं। तो भाई साहब कम ऑन ज्वाइन कर लो फटाफट, ज्यादा से ज्यादा सब लोग ज्वाइन करो, मजा आने वाला है उस टूर्नामेंट में। लेट्स गो। जीरो इलेमिनेशन हुई है अभी तक भाई साहब, जीरो इलेमिनेशन अभी तक तो एक भी नहीं गया, तीनों ही टफ है। ब्लैक थंडर भी अच्छा खेलने लग गया है, आई थिंक गया उशान। रुद्रा दो फिनिशर यूज कर चुका है, ब्लैक थंडर पे दो फिनिशर है, उशान के पास तीन फिनिशर है, तो चांसेस है। ओए ओ भाई ओए, मुझे लगा गया अबे, मुझे लगा ब्लैक थंडर ने रुद्र को निकाल दिया, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। और यहाँ से उशान ने सपना, अरे यार फिनिशर्स आया होगा, छिट 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 छिट, एक फिनिशर लगा ही नहीं, वेस्ट हो गया यार। टू और गया, ओए बच गया बच गया बच गया बच गया, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। ब्लैक थंडर ऐसे ही करते रहो, कम ऑन ब्लैक थंडर, सेमीफाइनल्स में जाना है आपको, एनी हाउ वर्ल्ड चैंपियन बनना है, इट इज टाइम। अरे खड़े खड़े फिनिशिंग वाला, इसको कुछ नहीं हुआ। ओ भाई ब्लैक थंडर इतना टफ हो गया, साला तीन फिनिशर यूज कर लिया उशान ने, लेकिन लेमिनेट नहीं कर पाया दोनों में से एक को भी। वाह क्या तगड़ा राउंड है, फोर स्टार मैच हो गया स्मैकडाउन से, और ये उशान लेमिनेट हुआ नहीं अभी। भाई साहब क्या राउंड है, एंड उशान रेसिलेंस यूज करते हुए और बचते हुए अभी भी मैच में बाकी है, एक ही चांस है। क्या ब्लैक थंडर फिनिशर मार के खत्म कर देंगे कहानी उशान की, नहीं बचा लिया खुद को, अपने आप को उशानी ने। कम और रुद्री खतरे में है, उशान को एक फिनिशर पड़ना और उशान गया। कम ऑन, मैं चाहता हूँ रुद्री जीत जाए, बट ऑन अदर हैंड मैं चाहता हूँ ब्लैक थंडर भी जीते, फिर मैं चाहता हूँ उशान भी जीते। पता नहीं कौन जीते यार, जो जीतेगा उसकी किस्मत यार, जो अच्छा खेलेगा वो जीतेगा। ओ माय गॉड इट्स अ मूव उशान फ्रॉम हाई टॉप, इट इज उशान, लेट्स गो। रुद्र खड़े खड़े देख रहा है, ओ भाई मोमेंट है भाई, ओ भाई साहब सुसाइड डाइव, और गया थंडर डाउन, दिस इज ऑसम। पीछे से रुद्र भी आ रहा है क्या, नहीं, दिस इज ऑसम बॉयज, मजा आ गया उशान, मजा आ गया। फोर स्टार मैच हो चुका है लेकिन अभी तक जीरो इलेमिनेशन, आई थिंक अब वक्त आ गया इलेमिनेशन होने का। तो क्या लगता है सबसे पहले कौन इलेमिनेट होगा, नहीं उशान तो बाहर गया, मुझे लगता है ब्लैक थंडर जाएगा। अरे उशान खड़ा हो गया, आजा आजा, टू और ब्लैक थंडर किक आउट करते हुए, और जैसे उशान खेलते हुए नेक्स्ट लेवल धुलाई भाई साहब, नेक्स्ट लेवल धुलाई, मजा ही आ गया। क्या मैच है भाई, क्या मैच है, तगड़ा फाइट,
जीरो इलेमिनेशंस और इसी के साथ उशान का सफर खत्म। मैंने क्या बोला था, उशान गया यार, फॉर्मर चैंपियन उशान का सपना खत्म। एक बार वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन और बनने के लिए सपना खत्म होता है आपका। और इट इज नाउ बिटवीन रुद्र एंड ब्लैक थंडर। ब्लैक थंडर ने वर्ल्ड चैंपियन को निकाला उशान को, भाई साहब कितनी बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है इसके करियर के लिए। क्या ब्लैक थंडर करके दिखाएंगे आज, क्या ब्लैक थंडर जो इनकी जैकेट के पीछे मुक्का बना है, मुक्का मार के रुद्र को निकालेंगे। मुझे लग रहा है हाँ ब्लैक थंडर जीत सकता है, ब्लैक थंडर के पास फिनिशर आने वाला है, बट कुछ नहीं बोल सकते। क्या ये रुद्र की आज किस्मत चमकेगी फिर से, एक बार रुद्र सेमीफाइनल्स में जाएंगे, क्या ये हो सकता है, इज दिस पॉसिबल, कम ऑन, कम ऑन रुद्री, यू कैन डू इट। ब्लैक थंडर से हारना मत, वरना ए बी सी डी में इसको गालियां देना आज। अगर ये हारा ना तो वही इसको ए बी सी डी, ए से लेके जेड तक अल्फाबेट में गालियां दो इसको, मस्त मस्त। भाई साहब देखो इसको कैसी कैसी गालियां पड़ती है अब, कम ऑन रुद्र हार जाना प्लीज। अबे यार लाना तो, वन टू एंड किक आउट, अरे बच गया बच गया बच गया बच गया। ब्लैक थंडर अच्छा खेल रहे यार, भाई साहब क्या मार रहा है, तगड़ी फाइट, खतरनाक, एकदम खतरनाक। लेट्स गो, कम ऑन, जीतेगा ब्लैक थंडर, जीतेगा, कम ऑन लड़के। और रुद्र उठते हुए, रुद्र फिर से एक बार स्टंड हो जाएगा। भाई साहब इतना तगड़ा मैच, वो भाई ब्लैक थंडर इतनी तगड़ी फाइट दे रहा है, मैंने कभी सोचा नहीं था। भाई साहब खून निकल गया, ब्लैक थंडर वॉन्ट्स टू मेन इवेंट रेसलमेनिया बैकलैश। भाई साहब लड़के को जाना है कुछ भी करके बस। और नेक्स्ट टूर्नामेंट भी अनाउंस कर दूं मैं, मेरी टीम का नाम है ड्रैगन किलर्स वर्सेस नेपाली किंग्स। मेरा और रुशान का फिर से एक टूर्नामेंट होने वाला है, बिग मेगा क्रैश कैश प्राइज है वो, 500 रुपीज का, 500 मेरे फाइव मतलब 1K का, 1000 का मेगा कैश प्राइज का टूर्नामेंट होने लगा है। इट इज बिटवीन नेपाली किंग्स वर्सेस ड्रैगन किलर्स। सो दोनों के स्क्वाड बन चुके हैं, टीम का बन चुका है, बहुत जल्द रिवील कर दिया जाएगा कौन किसकी टीम में, कौन किसकी टीम में ड्राफ्ट हुआ है, कौन कौन। सो लेट्स गो बॉयज, इसीलिए बोल रहा हूँ मार्वल हीरो लीग में भी जल्दी से जल्दी सुपर चैट करके ज्वाइन कर लो, अभी तक सिर्फ दो बंदों ने ज्वाइन किया है, ठीक है। लेट्स गो, कम ऑन, कम ऑन, ब्लैक थंडर जीतेगा, ब्लैक थंडर जीतेगा अपना, कम ऑन मैन, कम ऑन ब्लैक थंडर, ब्लैक थंडर लेट्स गो मैन, एक फिनिशर मारना है और जीत गया। लेट्स गो, हियर वी गो, एंड थ्री, खत्म। कांग्रेचुलेशंस ब्लैक थंडर, सेमीफाइनल्स में पहली बार। ओ भाई साहब, वो भी रुद्र और रुशान को, दोनों को निकाला है, ओ भाई दिस इज इनक्रेडिबल, माय गॉड, कांग्रेचुलेशंस ब्लैक थंडर, यू आर इन द सेमीफाइनल्स। भाई साहब किस्मत बदलने वाली है ब्लैक थंडर की अब, कांग्रेचुलेशंस, बड़ी कांग्रेचुलेशंस, क्या मैच है, वाह मजा आ गया, फाइव स्टार मैच ऑलमोस्ट, पूरा फाइव स्टार ही समझो, वेरी नाइस। ऑलराइट बॉयज, वेलकम टू द सेकंड राउंड फॉर मंडे नाइट फॉर द अनडिस्प्यूटेड यूनिवर्सल चैंपियनशिप। सो हर्षवर्धन जीत चुका है पहला राउंड, सो ये है रोड टू रेसलमेनिया बैकलैश। सो कटाना अपनी क्या सोच के अपना मैच इन तीनों के साथ डाला, दोनों ढीट है सत्विक और उस्मान के साथ, हैव यू लॉस्ट योर माइंड भाई, क्यों भाई, ये बहुत पेलेंगे मैं बता रहा हूँ, गलती कर दी इनके साथ मैच डाल के अपना, ओए। बट कटाना इज अ चैंपियन, अ किंग, यू कैन कॉल हिम एनीथिंग मैन, डन इट ऑल, बट ये दोनों बहुत टफ है मैं बता दूँ कटाना, इट्स नॉट इजी टू बीट देम, बट अपनी कोशिश पूरी करें कटाना। सो लेट्स सी क्या कटाना इन दोनों को हरा सकते हैं, दोनों एक अंडरडॉग है और एक राइजिंग स्टार ऑफ मंडे नाइट द टफ गाय सत्विक। Let's see bro, let's see Katana if you can do it. And इसी के साथ Katana का सपना खत्म करते हुए Osman the end करते हुए Katani का 2, ओए बच गया बच गया बच गया बच गया, छोड़ेंगे नहीं देखना वो लोग। ओ भाई सत्विक ने निकाल दिया Osman को, Osman ने सत्विक को निकाल दिया, दोनों ही डीट है। नहीं 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 नहीं, ये मत हो, ये मत हो, ये नहीं नहीं ये नहीं नहीं नहीं, बच गया, नहीं करेगा टैप, नहीं करेगा टैप, Osman टैप नहीं करेगा, आई डोंट थिंक सो। बट Katana भाई ये क्या किया भाई, क्यों अपने एल लगवा लिए भाई, ये दोनों बहुत ढीट है भाई, अब देखो वो धोएगा,
अब सत्विक ढोएगा कटाना को, या कटाना फिनिशर मारेगा, कटाना फिनिशर देने वाला है, और लो भाई खत्म। मैंने क्या क्या बोला था कटाना, गलती कर दी इनके साथ मैच डाल के, आई टोल्ड यू ब्रो नॉट टू डू दैट। एंड हियर इज योर विनर सत्विक, खिलाड़ी भाई का भाई जीत गया भाई साहब, डोमिनेटिंग मैच। मेरे को पता था ये मैच बहुत क्विक होगा, यहाँ तो बहुत क्विक होगा और यहाँ तो बहुत लंबा चलेगा, दोनों में से एक चीज थी। कॉन्ग्रेचुलेशन टू सत्विक, सत्विक आप जाते हो सेमीफाइनल राउंड्स में हर्षवर्धन के साथ, लिख लेना मैनेजर्स आप लोग, ठीक है सत्विक लेट्स गो, कॉन्ग्रेचुलेशन। खिलाड़ी भाई देखो, भाई को देखो, चाचा अच्छा खेलने लग गया वैसे, जब से शादी हुई है ना चाचा की चाची के साथ, बस चाचा इन द कमिंग, इनकमिंग थोड़ी देर में। कॉन्ग्रेचुलेशन सत्विक, यू डिड इट। Right, boys, welcome to the second round from Friday Night Spectre for the World Heavyweight Championship brought to WrestleMania Backlash. So, this round, my former SmackDown manager, Mr. MP, my host and my manager, and Chacha Khiladi, jinki abhi abhi jaise shaadi hui hai, and so on. Welcome to SmackDown and good luck for the future. Let's go. Bhai, ye to bahut chota hai. Oh, bhai, fail diya. Shit, utha ke fail diya. Chacha Khiladi. Chacha ji, zindabad, boys. Chacha ji, next level khelte hue. मतलब अब फिलहाल तो दुलाई खाते हो चाचा, निकल क्या मैच खेला टूर्नामेंट में यार, जबरदस्त फाइट दी है। कम ऑन चाचा, पहले तो बताओ चाची कैसी है हमारी, चाची को खुश रख रहे हो ना आप अच्छे से? अगर चाची ने तलाक दी ना तो फिर देख लेना, चाची ने अगर कंप्लेन की कि चाचा खुश नहीं रखने, गया बेचारा सोहम। सोहम बड़ी, इट्स जस्ट अ फ्यूचर, डोंट वरी, फ्यूचर अच्छा होगा, अच्छी फाइट दो एंड गुड लक फॉर द फ्यूचर मैन। आई विल जस्ट से दैट मैन, जस्ट गुड लक फॉर द फ्यूचर, कीप वर्किंग हार्ड, एक ना एक दिन आप जरूर मेन इवेंट में होंगे, डोंट वरी। ओके, बस फाइट करते रहो ऐसे ही, अच्छी फाइट दे रहे हो, अच्छी शुरुआत। आप अपना डेब्यूट मैच हारे थे कि आपका सेकंड मैच है यूनिवर्स में, एंड वेलकम टू रोड टू रसलमेनिया बैकलैश। आपका रसलमेनिया में मैच नहीं था लेकिन आपको रोड टू रसलमेनिया बैकलैश में जाने का पूरा मौका मिला है। ये जीत जाओ, गो टू सेमीफाइनल्स, थंडर है वहाँ पे, बट चाचा ने लेमिनेट कर दिया। चाचा जी क्यों बच्चे का सपना तोड़ दिया यार? ऑलराइट, इट इज एमपी वर्सेस चाचा खिलाड़ी, भाई साहब तगड़ी फाइट होने लगी है। क्या चाचा खिलाड़ी हरा देंगे मिस्टर एमपी को? ओ भाई, एमपी को हरा दिया, चाचा को क्या हो गया? ओ भाई साहब, चाचा खिलाड़ी ओपी, ओपी बॉयज, चाचा इज ओपी। गया, टू थ्री, लेट्स गो, गया। ओए, बच गया बच गया बच गया बच गया, खत्म खत्म, दी एंड। नहीं, इतनी आसानी से नहीं, लेकिन यार चाचा बहुत अच्छा खेलने लग गया है, जब से वैसे शादी हुई है ना, चाचा के अंदर कुछ एक्स्ट्रा एनर्जी आ गई है, कुछ ज्यादा एक्स्ट्रा एनर्जी आ गई है भाई। क्या उधर से रो से चाचे का चाची जी, छोटा भाई जीत गया, मिस्टर सत्विक क्या आप भी जीत सकते हो ब्रो, गुड लक मैन, जीत जाओ भाई, जीत जाओ, गुड लक ब्रदर, करके दिखा दो चाचा। क्या एमपी टैप करेगा? एमपी टैप तो नहीं करेगा, मुझे नहीं लगता भाई, तगड़ी फाइट होगी, मैंने बोला ये मैच तगड़ा होने वाला है, लास्ट तक लड़ेंगे ये लोग, लास्ट तक फाइट होगी इन दोनों की। पेल दिया, खत्म। ओए चाचा फुतरी मारते हुए भाई साहब, ओ भाई चाचा, भाई साहब नेक्स्ट लेवल, कम ऑन चाचा, यू कैन डू इट चाचा, ऐसे ही ऐसे लड़ो एकदम नेक्स्ट लेवल भाई। चाचा बहुत जल्दी रिकवर कर रहा है, बट एमपी अच्छी फाइट दे रहा है। एमपी लो, फाइनली आपका मैच हो ही गया चाचा के साथ, एमपी वर्सेस चाचा फाइनली हो गया भाई साहब, मजा आ गया। सूजी है हार जाए ना स्मैकडाउन से, मजा आ जाएगा, सूजी को हारना चाहिए स्मैकडाउन से। WrestleMania backlash के बाद मैं सोच रहा हूँ ड्राफ्ट कर लिया जाए, what do you think boys? WrestleMania backlash के बाद करेंगे ड्राफ्ट, a new ड्राफ्ट करेंगे, ठीक है? क्योंकि अभी टाइम नहीं मिला ना, मैं सोच रहा हूँ WrestleMania backlash कर ले उसके बाद ड्राफ्ट करते हैं, a new ड्राफ्ट। ओ भाई क्या पेल रहा है यार, उठा उठा के एकदम नेक्स्ट लेवल, चाचा एकदम धुलाई कर दी एमपी की। ओए चाचा की टांगे भाई सब, नेक्स्ट लेवल, जीत जाएगा चाचा ही जीतेगा, इतनी तगड़ी फाइट दे रहा है ना चाचा, तो चाचा ही जीतेगा, चाचा क्या मार रहा है। पर फिलहाल तो एमपी ने धुलाई कर दी, कम ऑन एमपी, जीत जाओ भाई, खत्म करो चाचा को। चाचा कुछ ज्यादा ही लंबी फाइट देने लग गया है, कल भी तगड़ा मैच दिया, सबसे लंबा मैच हुआ था चाचा का, ऑलमोस्ट एंड। अगर एमपी के पास फिनिशर आ जाता ना तो फिर खत्म,
ओ भाई बहुत मजेदार मैच हो रहा है, बहुत मजेदार मैच हो रहा है ये। मेरे को चाचा की परफॉर्मेंस देख के मैं हम शॉक्ड यार, इतनी तगड़ी परफॉर्मेंस। एज देखो भाई साहब, भाई साहब देखो तो लड़ाई देखो एक बार। चलो एमपी खत्म करो भाई, चाचा को दी एंड कर दो। लो एमपी से नहीं हो पाएगा, चाचा ने एमपी को खत्म कर देना आज। मेरे को तो यही लगता है, चाचा ने एमपी फाड़ देना, एमपी फाड़ देना, हैशटैग एमपी फाड़ देना चाचा ने। टू थ्री ना वे, इतना मत मारो यार, क्या फुतरी चढ़ी है चाचा को चैंपियन बनने की कसम से यार। सोचो चाचा वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन, मेन इवेंट ऑफ रेसलमेनिया बैकलैश एंड विन दैट वर्ल्ड हेवीवेट, फिनिश द स्टोरी बुढ़ापे में आके। साला ये मेरे को ऐसे लग रहा है कोडी रोड्स वाला सीन लग रहा है एकदम, जो कोडी के साथ हुआ है ना वो वाला मेरे को लग रहा है। कोडी 70-80 साल का होगा फिर जाके उसकी स्टोरी फिनिश होगी। एमपी नहीं करने देगा, खत्म स्टोरी और ये खत्म चाचा। टू एंड ओए, क्या लगता है चाचा अपनी स्टोरी खत्म कर पाएंगे रेसलमेनिया बैकलैश में? क्या चाचा अनडिस्प्यूटेड या वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन बन पाएंगे? अभी फिलहाल तो स्मैकडाउन में तो वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन बन पाएंगे क्या चाचा कभी? क्या लगता है वो, इस कमेंट में बताओ आप लोग, चाचा को देख कर बताओ। मुझे लगता है यार अगर एमपी के पास फिनिशर आ गया ना तो यही सपना तो खत्म हो जाएगा, बट फ्यूचर का पता नहीं। और ये खत्म कर दिया सपना, सिग्नेचर मार दिया, चाचा टैप करेंगे, सर फाड़ दिया चाचा का। 1 2 3 चाचा विल टैप, चाचा विल नॉट टैप। भाई चाचा जी जिंदाबाद भाई, चाचा टैप नहीं करेंगे। और ये चाचा ने पेल दिया एमपी को सर मार के, पिन। इज दिस द एंड? ओए अच्छा किक आउट, अच्छा किक आउट, मेरे को लगा एमपी गया। एमपी का तगड़ा एकदम अटायर, एकदम तगड़ा है, बट एमपी पे फिनिशर है तो अब खत्म, दी एंड। सॉरी चाचा, बेटर लक नेक्स्ट टाइम, बट बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस थी। अभी चाचा का नॉकआउट नहीं हुआ, ओ माय गॉड, वाओ दिस इज लवली, 4-star मैच, चाचा स्टिल इन द मैच। भाई साहब एक बार चाचा के लिए ओपी इन द चैट बॉयज, चाचा जिंदाबाद लिख दो एक बार। इतनी लंबी फाइट देगा चाचा, मैंने कभी नहीं सोचा भाई, मतलब एमपी के गेम लगा देगा चाचा। यार एमपी बहुत डीट है यार, एमपी नहीं छोड़ेगा चाचा को, खत्म ही करके छोड़ेगा भाई चाचा को। चच्ची के पास वापिस जाना है, छोड़ दो भाई, कम ऑन चाचा यू कैन डू इट। अब तो मैं चाचा को सपोर्ट कर रहा हूँ, फुल सपोर्ट मेरी, कम ऑन चाचा यू कैन डू इट मैन, फॉर द लव ऑफ चाची, लेट्स गो, लेट्स गो, यू कैन डू इट, कम ऑन चाचा उठो, हिम्मत रखो, अभी जान बाकी है आप में, मारो ला तेरी ऐसी की तैसी है भी साला, खेल दो चाचा, बहुत मारो इसको, दी एंड कर दो। फिनिशर आ गया, यह सिग्नेचर आ गया आई थिंक, कम ऑन चाचा मारो और मारो, तगड़ा प्लेयर है यार अपना चाचा। भाई चाचा में जवानी आ गई टू फिनिश द स्टोरी, चाचा इज बैक टू फिनिश हिज स्टोरी। एक्चुअली चाचा का पता क्या है, चाचा इज बैक टू फिनिश हिज स्टोरी, जो जवानी में नहीं कर पाए बुढ़ापे में करेंगे, और इसी के साथ एमपी ने सपना खत्म कर दिया। ओह माय गॉड व्हाट द हेल, व्हाट यू गॉट बी किडिंग मी मैन, व्हाट द हेल जस्ट हैपेंड, दिस इज इनसेन, इनक्रेडिबल किक आउट, ओ माय गॉड। भाई चाचा जीते यार मेरी नजर में, भाई सब नो कर नहीं हुआ, टू चाचा किक आउट, अरे यार शिट यार, भाई साहब बिना नॉकआउट हुए चाचा ने हुंड फाड़ दी एमपी की। कोई ना चाचा, बेटर लक नेक्स्ट टाइम, बहुत तगड़ा फाइट थी, कंग्रेचुलेशंस टू एमपी, एमपी गोज टू द नेक्स्ट राउंड जॉइनिंग ब्लैक थंडर एंड एमपी। चलो भाई साहब दो जने चले गए, कंग्रेचुलेशंस ब्रो, कंग्रेचुलेशंस, वेल प्लेड, वेल प्लेड, बढ़िया मैच था, बहुत तगड़ा मैच था ब्रो, अमेजिंग मैच, लव्ड इट भाई साहब, चाचा जिंदाबाद एक बार चैट में। अब चलते हैं मंडे नाइट रॉ की तरफ। राइट बॉयज, वेलकम टू द थर्ड राउंड रॉ टू रेसलमेनिया बैटल फॉर द अनडिस्प्यूटेड यूनिवर्सल चैंपियनशिप, जिस राउंड का मुझे इंतजार था, इट इज द मार्वल किंग, जो कल उशान को हराते हुए 100 रुपए का टूर्नामेंट मेगा कैश प्राइज था। मेन इवेंट में भी क्या तगड़ी परफॉर्मेंस थी, फॉर्मर वर्ल्ड चैंपियन को हराया मैंने उशानी को। So let's go भाई, इस राउंड में हमारे ट्रेंडी द नॉकआउट पंच मैन, मिस्टर नॉकआउट, मिस्टर नॉकआउट मैच दे सकते हैं हम, और शरद ही है द स्वाच किंग एंड हरि भैया,
फ्रेंड का ही नया प्लेयर है, वो पुराना ट्रेंड डिलीट कर दिया तो ये कर लिया है, लेट्स गो। और अब मैं किसी का डाउनलोडिंग वाउनलोडिंग नहीं करूंगा ब्रो, लेट हो जाता है फिर, क्योंकि कभी कभी नेटवर्क नहीं चल रहा होता है ऑनलाइन का उसका टूके का, तो इसलिए फिर बहुत लेट हो जाता है। अब मैं किसी का कुछ डाउनलोड वाउनलोडिंग नहीं करूंगा, जिसका जो प्लेयर है वही रहेगा अब, ठीक है। तो बहुत टाइम लगता है ब्रो, टाइम वेस्ट हो जाता है। तो लेट्स गो मार्वल, कम ऑन यार हरी भैया, इतना मत मारो यार, कटानी बहुत खराब बात है यार, अपने को ट्रिपल थ्रेट में डाला, ठीक है, फिर भी लाना तो सारे ना मेरे को फैटल फोर वे में, वो भी इतने तगड़ों के साथ, वेरी गुड, हाँ वेरी गुड। साला मैं जिस भी मैनेजर बनूंगा जोबर बनाऊंगा कटानी को इतना। अरे यार फंसा दिया मेरा, स्क्वाश कर दिया, शरती शरती गद्दार, गद्दार को नहीं छोड़ूंगा, मेरा रसलमेनिया बैकलैश जाने का सपना तोड़ दिया। अभी दो एलिमिनेशन से पागल हो गया है, ओ भाई What the hell? अबे ये क्या है? अबे ये क्या किया? अबे अबे साले ये क्या किया? पगले साले, क्या कोई दौरा पड़ा क्या, मिर्की का दौरा? अबे ये इसने क्या किया भाई, कुछ समझ ही नहीं आया। एक दो और ये तीसरा, भाई साहब मुंड फाड़ के हाथ में पकड़ा दी सबकी, साला अबे ये क्या किया अबे भाई, मेरे को अभी भी झटके लगा है, हुआ क्या ये, व्हाट डिड यू जस्ट डू श्रुति, मैन व्हाट द हेल, माय गॉड, ओ भाई कांग्रेचुलेशंस मैन। राइट बॉयज, वेलकम टू द थर्ड राउंड फॉर द वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप ब्रॉट टू रेसलमेनिया बैकलैश। ऑलराइट बॉयज, इट इज टाइम। सो इस राउंड में हमारे इवल स्मैकडाउन के इवल शकील द फॉर्मर चैंपियन एंड करंट यूनाइटेड स्टेट चैंपियन बॉबी, नाक नाक हु इज देयर, बॉबी बॉबी हु एग्जैक्टली, एंड वरदान जो अपना वरदान पूरा करना चाहते हैं, तो फिनिश स्टोरी वरदान, ये चांस है अभी, गो टू रेसलमेनिया बैकलैश, गो टू द मेन इवेंट, विन दैट वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप, फिनिश योर स्टोरी मैन, भाई कर लो भाई, और क्या बोलूं भाई मैं, आज नहीं तो कब करोगे। ऑलराइट लेट्स गो मैन, बॉबी हैज बीन एलिमिनेटेड, बॉबी का सपना खत्म होते हुए, शकील का सपना खत्म कर दिया ईवल ने, माई गॉड व्हाट अ मागी मेंटल, इट इज डाउन इन ईवल, ओ भाई शरद की आत्मा आ गई क्या इसमें पंडे नाइट्रो से, भाई साहब टू, लेकिन नहीं नहीं नहीं, नहीं शरद वाला काम नहीं किया, शकील ने बॉबी को निकाला और वरदान ने बॉबी को निकाला और ईवल ने शकील को निकाला, जो शरद ही ने किया ना पंडे नाइट्रो में, एब्सोल्युटली बोल दो हिंदी में बुंड फाड़ दी। सो मुझे लगता है ये राउंड वरदान जीत सकता है, एक फिनिशर है, सो वरदान मेरे भाई सेमीफाइनल्स में चले जाओ, जॉइन थंडर एंड एमपी, कर लो मेरे भाई कर लो, मैं बोल रहा हूँ कर लो स्टोरी खत्म भाई, वरना बुढ़े हो जाओगे तब भी नहीं हो पाएगी, कम ऑन वरदानी, कम ऑन फिनिश हिम, लेट्स गो, यू कैन डू इट मिस्टर, नेवर गिव अप वरदान, लेट्स गो, ईविल को हरा दो, कम ऑन 2, 3, 4, 5, 6, let's go, finisher, hit him, यार finisher क्यों नहीं मारे, waste कर रहे हो time, मैं बता रहा हूँ, finisher मारो, खत्म करो story को, let's go, finish him, chance दे दिया ना evil को, अब वो बहुत धोएगा, अब बहुत धोएगा, गया, one पे kick out, बहुत बढ़िया, इसके बाद final rounds है, raw का भी and smackdown का भी final round है, इसके बाद फिर आ जाएगा मज़ा, let's go। यार मेरे के साथ क्या हुआ, स्मैकडाउन की बात करेंगे, रो की बात नहीं कर सकते दूसरे ब्रांड में, और राइट खत्म, वन वन पे किकआउट करते हुए ईवल, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत ही बढ़िया, क्या तगड़े राउंड्स हुए हैं आज, मजा आ गया, कम ऑन वन फिनिशर, ये क्या लात है, ओ नाइस मैन, हिट हिम, वरदान फिनिशर लगाओ, यही मौका है भाई, मार क्यों नहीं रहा है ये, ओ भाई सर फाड़ दिया भाई, फिनिशर मार दे भाई, अरे यार ये क्या कर रहा है यार, वरदान वरदान पे फिनिशर है लेकिन फिनिशर मार नहीं रहा है भाई, यूज कर लो भाई, कम ऑन मैन, डू इट, यू हैव टू डू इट फॉर द लव ऑफ योर स्टोरी मैन, वरदान यू वांट टू फिनिश योर स्टोरी, कम ऑन मैन डू इट, वरना ईवल ले जाएगा, लेट्स गो, हमारे यहाँ पे वरदान कोडी रोड्स बन रहा है बेचारा, लेकिन कोडी रोड जितनी सक्सेस नहीं मिली है बेचारे को, कुछ नहीं कह सकते वरदान का क्या होगा, कब करेगा स्टोरी खत्म भाई, सबसे ज्यादा खुश मैं होऊंगा जिस दिन ये अपनी स्टोरी खत्म करेगा, व्हेन ही इज गोइंग टू मेन इवेंट
WrestleMania, win that undisputed or world heavyweight championship and finish his story. देखते हैं यार क्या होता है. आई डोंट नो मैन. कम ऑन अबे, इवल लेमिनेट नहीं हुआ मतलब इवल नहीं जाने देगा. इवल इज द रोड ब्लॉक फॉर वरदान की स्टोरी के लिए. कोई ना कोई रोड ब्लॉक बेचारे के लिए बनी जा रहा है वरदान के लिए. कम ऑन वरदान, कम ऑन मेरे भाई. एक और फिनिशर होता ना तो वरदान जीत जाता वैसे, लेकिन क्या करे बेचारे पे एक और फिनिशर नहीं है, नहीं है. चल मेरे भाई वरदान कर दे चटाई. कम ऑन वरदानी, कम ऑन, लेट्स गो. और ये ईवल ने सपना और वरदान नहीं. वरदान ने बोला नहीं अभी जान बाकी है मेरे अंदर. भाई साहब दी फैशन बॉय, लेट्स गो. फिनिशर नहीं है यार दोनों में से किसके पास, कुछ नहीं कह सकते. बट नॉकआउट होता है तो फिर किसी भी मूव पे भी हो सकता है. कोई क्रिटिकल मूव मारने से भी नॉकआउट हो जाता है फटाफट. तो लेट्स सी, वरदान को करना पड़ेगा डैमेज थोड़ा और. ईवल का सर तो फट गया, ईवल का चांसेस है. लेट्स सी, मैच थोड़ी देर में खत्म होने वाला है बस. ईवल पे अगर फिनिशर आ गया तो मुझे लगता है एक ही फिनिशर में वरदान का वरदान लग जाना है. और अगर ईवल वरदान पे आता है तो फिर यस चांसेस है ईवल के हारने के. कम ऑन वरदानी, कम ऑन, कम ऑन मेरे भाई. मार मुक्का ऐसा, नॉक आउट पंच मारो भाई. अरे यार वन टेल दिया, कोने में लेके जाके मारा है, खत्म. ये स्टोरी फिनिश करेगा गला रहा तेरी ऐसी की तेरी, तेरी स्टोरी की ऐसी की तैसी. वरदानी भाई जलील कर दिया भाई वरदान को. ओ भाई जलील कर दिया, शिट यार बेचारा. कोई तो खत्म कर दे दो उसको स्टोरी भाई. क्या करे वरदान बेचारा, साला इतने जने कोई जाने नहीं देता बेचारे को. भाई जलील कर दिया, शिट जलील कर दिया ईवल ने. शिट मैन, भाई साहब खत्म, गले ही दबा दिया. तेरी स्टोरी खत्म करने से पहले तुझे जान से मार दूंगा. ये बोरा ईवल, तेरी मैं जान ले लूंगा. अरे यार क्या गंदा हो रहा है यार वरदान के साथ. पेल दिया भाई. ओला चौक स्लैम, चौक स्लैम, फिनिशर आ गया और वरदान खत्म. टू हो गए, स्टोरी खत्म. लो मुंड में डाल लो स्टोरी अपनी. अबे क्या फिनिश करेगा यार ये. अबे रिवर्सल, ओ माय गॉड. जब जब वरदान को अंडर एस्टिमेट करने की कोशिश की है बेचारा, तब तक जीता है. आज भी भाई चमत्कार कर लो वरदान, कम ऑन मैन. यही मौका है अब नहीं. अरे कुछ नहीं हो सकता इसका, कुछ नहीं हो सकता. कम ऑन वरदान, कम ऑन. अरे यार ईवल नहीं छोड़ेगा, ईवल टफ है यार. तेल दिया, ये लो, दो तीन चार. बेचारे को जलीलों की तरह मारा है. एंड हियर इज योर विनर जॉइनिंग थंडर एमपी एंड नाउ इट इज ईवल सेमीफाइनल्स में जाते हुए फॉर वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप. वरदान मेरे भाई कोई ना, बट लक नेक्स्ट टाइम मैन, बेटर लक नेक्स्ट टाइम. वेल डन ईवल, वेल डन, यू डिड इट, वेल डन, कांग्रेचुलेशंस. वाह. All right, boys, welcome to the final round for the Undisputed Universal Heavyweight Championship of the World. Road to WrestleMania Backlash. Place mein hamare Marty Bhai, Arshan and Mighty and New Mohit King. ये मुझे ना जापानीज कराटे का कोच लग रहा है. माइटी मैंने आपको इसलिए लिया ताकि आपका चांस वेस्ट ना हो, नया टाइम तो बनता रहेगा. सो जस्ट डोंट लूज योर चांस बिकॉज अनडिस्प्यूटेड का चांस है ये. तो लेट्स गो मैन, गुड लक. इसलिए मैंने ले लिया, मैंने कहता मैंने ले लिया लेकिन गुड लक मैन. सो देखते हैं कौन किसको लैमिनेट करेगा. मेरे को एक बात बताओ मोहित, ये आपने फेस कैप्चर से बनाया ये वाला मोहित? अगर बनाया तो बताओ, या मुझे बताओ पहले वाला मोहित अच्छा था. लो भाई गया, इससे अच्छा तो बीस्ट मोहित था. ये तो एक मिल गया, अरशान ने निकाल दिया, वो भी अरशान ही है. वाह क्या बात है, लाना तुस. और टॉप थ्री बचे हैं अब फाइनल राउंड में. इट इज माठी भाई एंड माइटी एंड अरशान. लेट्स गो, कौन जाएगा फाइनल इन सेमीफाइनल्स के क्वालिफायर्स के साथ. इट इज द वन एंड ओनली नंबर वन पे हमारे जीते हैं हर्षवर्धन, सेकंड राउंड से जीते हैं सत्विक, थर्ड राउंड इज शरद एंड फोर्थ से कौन जाएगा देखते हैं सेमीफाइनल राउंड्स में. आई थिंक इसमें से जीत सकता है हमारे वन एंड ओनली माठी भाई जीत सकते हैं. यस, क्योंकि करंट इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियन रसल मीने में क्या ही तगड़ी परफॉर्मेंस दी है उन्होंने. चैंपियन बने हैं, कमबैक किया है,
यू नेवर नो, बट माई टीवी आफ्टर रेसलमेनिया के बाद आज पहली परफॉर्मेंस है इनकी, नहीं कल थी पहली टूर्नामेंट में, एक प्री मैच हुआ था, प्रैक्टिस मैच. सो अब देखते हैं क्या करते हैं, अब ऑफिशियली पेपर व्यू के लिए कैसी परफॉर्मेंस देते हैं. आज वो माटी भाई ने पेल दिया है. ओ भाई ये क्या मार रहे हो माटी भाई, भाई साहब नेक्स्ट लेवल माटी भाई, आपका माटी नेक्स्ट लेवल खेल रहा है. माटी कमन फॉर द लव ऑफ माटी भाई, जीतना मैन. और मुझे लगा गया माइटी, ओके माइटी पे दो फिनिशर्स हैं, इनके पास जीरो 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 है. सो चांसेस हैं माइटी जीत सकता है, लेट्स सी क्या होता है. यू नेवर नो मैन, यू नेवर नो क्या होगा, क्या अरशान टैप करेगा. अरशान ने टैप नहीं किया और नॉकआउट भी नहीं हुआ. डीएम कम ऑन, टैप आउट कर दिया क्या. अबे नहीं 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 टैप आउट नहीं किया था. इसके बाद फाइनल राउंड है स्मैकडाउन का, एंड देन लेट्स गो फाइनल राउंड किधर है किधर है किधर है किधर है, एक मिनट. रुद्रा ओके फाइनल राउंड है, बहुत खतरनाक मजेदार राउंड होने वाला है, क्योंकि हमें थोड़ी देर में देखने को मिलेगी मोटी बुंड. वाह आप समझ जाओ मोटी बुंड कौन है. मोटी बुंड AKA बेबी एलिफेंट, इससे ज्यादा क्या ही बताऊं मैं उसका आपको. कमन अरशानी, अबे अरशान ने पेल दिया, अबे माइटी को निकाल दिया अरशान ने. व्हाट What? What the hell? भाई साहब अरशान ने माइटी को निकाला है. माइटी का अभी भी राइज नहीं हुआ वापस. ब्रो टाइम लगता है ब्रो, मेरा मैं भी निकला हूँ ब्रो, मेरे को मेरा तो और गंदा हुआ यार. भाई साहब शर्ती ने जो धोया है मुझे, ट्रेंडी को, मार्वल को, ट्रेंडी को, और साथ में कौन था भाई, पता नहीं कौन था यार. अरे भैया क्या गंदा धोया उसने, तीनों को निकाला उसने अकेले ने. और माटी भाई जीतेंगे, कम ऑन माटी भाई, सरशानी को मत जीतने देना. कम ऑन मैन, कम ऑन जीत जाओ, लेट्स गो, यू कैन डू इट. या अरशान भी जीत सकता है यार, कुछ नहीं कह सकते हैं. अरशान अच्छी परफॉर्मेंस दे रहा है, अगर माइटी को निकाला तो मतलब कमबैक कर लिया अरशान ने, राइज हो सकता है अरशानी का, सेमीफाइनल्स में जा सकता है. देखते हैं यार क्या होता है, लेट्स सी क्या होता है. कम ऑन अरशानी, कम ऑन माटी भाई, कम ऑन माटी, फॉर द लव ऑफ माटी भाई, लेट्स गो मैन, लेट्स गो. बट अरशान के पास फिनिशर आने वाला है. ओके फिनिशर आ गया ऑलमोस्ट, और पिन कर दिया, फ्री पिन से जीतेगा. टू एंड नहीं, मेरे को लगा गए माटी भाई. यार क्या बात है यार, वाह स्प्लैश दे दिया एक. और इसी के साथ अब मंडे नाइट रॉ के लास्ट विनर है, लास्ट राउंड में फॉर द अनडिस्प्यूटेड यूनिवर्सल चैंपियनशिप. ये क्या हुआ, मैं मोबाइल की तरफ देखा, माटी बहन ने उसको लटा दिया. और अरशान की कवर करते हुए कौन ज्वाइन करेगा, हर्ष, सत्विक, शरद, और ये माटी भाई. अब खत्म, यस द करंट इंटर कॉन्टिनेंटल चैंपियन माटी ब्रायट, कंग्रेचुलेशन, यू आर इन द सेमीफाइनल राउंड फॉर द अनडिस्प्यूटेड WWE Universal Heavyweight Champion of the World के लिए. Congratulations Marty भाई, congratulations, you did it man. The Hunter hunts. Congratulations brother, congratulations. इसी के साथ Monday Night के rounds होते हैं खत्म. Let's move on to SmackDown का round खत्म करते हैं. Come on, congratulations, you did it Marty भाई, you did it. What a comeback man. वाह क्या बात है. So the final round from Friday night SmackDown it for the World Heavyweight Championship which is going to main event of WrestleMania Backlash. So कौन join करेगा इनमें से, Black Thunder और MP and Evil को कौन join करेगा. It is the former and longest reigning undisputed champion Experty and former Mr. Money in the Bank cash in face करते हुए Lanatus Baby Elephant Wunsch, Lanatus Body Bond और सूजी है जिसकी मैंने बुंड मार दी थी रेसलमेनिया में ओपनिंग मैच में. किंग ऑफ द रिंग बना था मैं, राया इसको सूजी है और डुगू का था बता रही है. भाई साहब ये क्या नमूने डाल दिया अंदर यार एक ही मैच में सारे के सारे, कसम से भाई साहब नेक्स्ट लेवल. कम ऑन, ओ डुगू ने पहले अभी बीबी एलिफेंट के डंडे लगा दिए डुगू ने. ओ भाई साहब, भाई क्या डुगू बीबी एलिफेंट को निकालेगा. मोटी बुंड नहीं, वन टू नहीं, एक्सपर्टी ने हालत टाइट कर दी इसकी. भाई साहब डुगू पागल हो गया लगता है. नहीं, और एक्सपर्ट ने बोला बस कर बच्चे, बहुत हो गया. अब वन वन पे किकर करते हुए डुगू, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया.
बेबी एलिफेंट को निकालो, एक्सपर्ट ही निकालेगा। बेबी एलिफेंट हैज बीन एलिमिनेटेड। नहीं स्पेयर आउट ऑफ नोवेयर, क्या मैच है यार भाई साहब। फिनिशर पे फिनिशर पड़ रहे हैं इधर से उधर। टू एक्सपर्ट गया क्या? नहीं गया, बच गया बच गया। राहित पे एक फिनिशर है और राहित ने डुगू को निकाल दिया। दी एंड, एंड ऑफ डुगू, डुगू हैज बीन एलिमिनेटेड। चलो भाई साहब, राहित ने डुगू को निकाल दिया। टॉप थ्री बचे हैं बेबी एलिफेंट, मोटी बूंद, सूजी बूंद एंड इसकी बूंद का पता ही नहीं। ओ भाई, अरे यार बेबी एलिफेंट जीतेगा। दो फिनिशर अभी भी रखे हुए हैं। टू पे किक आउट राहित करते हुए। ओए राहित शूटरी मार के उठता हुआ। कम ऑन राहित, यू कैन डू इट। सूजी है, ये क्या मार दिया अभी? सबमिशन। बेबी एलिफेंट टैप करेगा क्या? उसके ऊपर चढ़ गया। डुगू का जाने का मन नहीं है बेचारा। डुगू वहां से जा रहे नीचे से। वाह नाइस, फोर स्टार मैच हो चुका है। बेबी एलिफेंट के मुंह पे लात, एक्सपर्ट फिनिशर मारने लगा और राहित का सपना खत्म। दी एंड, सूजी है, बाय बाय। एंड इट इज डाउन बिटवीन वंश एंड एक्सपर्ट। बदला ले लो एक्सपर्ट ने, इसके साला मोटी बुंड की वजह से नहीं जीत पाए रेसलमेनिया में अनडिस्प्यूटेड चैंपियनशिप। पूरा रॉयल रंबल विनर बन के भी कोई फायदा नहीं हुआ, वेस्ट कर दिया। दोनों ने वेस्ट किया पता है। और मोटी बुंड वंश सेमीफाइनल्स में। ऑलराइट लिख लो बॉयज, स्मैकडाउन से है हमारे थंडर, एमपी, इवल एंड वंश टॉप फोर, और मंडे नाइट रो से कटाना। अब देख लो कौन है। ठीक है लेट्स गो, कॉन्ग्रेचुलेशंस। अबे मोटी बुंड यार, ये मोटी बुंड हमेशा कैसे जीत जाता है यार, लास्ट में आके जीत जाता, छक्का मार देता है कसम से। देखो छाती, देखो साला डबल बुंड है भाई साहब। कॉन्ग्रेचुलेशंस। ऑलराइट बॉयज, गुड नाइट एवरीबॉडी, विल सी यू टुमारो नाइट अगेन एंड वी आर साइनिंग ऑफ। विल सी यू एट रेसलमेनिया बैकलैश। मेरा सपना तो टूट गया, शिट यार, दशरथ को नहीं छोड़ूंगा। गुड नाइट एवरीबॉडी, मोटी बुंड जीत गई।